हेलो एवरीवन, देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी से रिलेटेड जो है आपके कंटिन्यू डाउट आ रहे थे और आने भी चाहिए क्योंकि चीजें अभी क्लेरिफिकेशन नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहला डाउट ये था कि क्या ये सीयूईटी के थ्रू होगा। देखिए, हम लोग जो है 20 डेज पहले ही एक वीडियो ला दिए थे, उसमें हमने आपको अपडेट कर दिया था कि सीयूईटी के थ्रू इसका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था, लेकिन अब आपको हम जो है क्लेरिफिकेशन दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं एनटीए की वेबसाइट है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ठीक है, कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसका एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी के थ्रू होने वाला है, तो इसको हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, देखिए ये सारे कोर्सेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेंशन है, ठीक है, जिसका एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी के थ्रू होना है। ठीक है, ये बी ए बी एस सी है, बी कॉम है, बी एलएलबी है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी एलएलबी मेंशन नहीं है, तो इससे ये चीज़ें कन्फर्म है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम जो है ये सीयूईटी के थ्रू नहीं होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद कराएगी, तो ये चीजें यहाँ से कंफर्म हो गई हैं। अब बात ये आती है कि अगर सीयूईटी के थ्रू नहीं होगा तो फिर इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, ठीक है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा और इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। देखिए, एक एक करके आपके डाउट को देखते हैं। तो देखिए, अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये अप्रैल के लास्ट वीक तक भी आ सकता है या मिड मई के अराउंड आ सकता है। ठीक है, जैसे ही आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। और ये कंफर्म है कि एंट्रेंस एग्जाम आपका कब होगा, तो ये 15 जुलाई के पहले नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखिए हम लोग बहुत पहले आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, सीयूईटी वाली भी चीजें हमने आपको बहुत पहले बता दी थी। अब एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 10th मई 15th मई कभी भी आ सकता है। एंट्रेंस एग्जाम कन्फर्म है कि ये 15 जुलाई से लेकर लास्ट वीक ऑफ जुलाई में ये जा सकता है, तो ऑलमोस्ट 3 महीने का टाइम है आपके पास। ठीक है, आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। देखिए, अभी तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो अपना पेपर कराती थी, लैंग्वेज से 50 क्वेश्चन होते थे, हिंदी और इंग्लिश, ऑप्शन नहीं होता था, दोनों कंपलसरी होते थे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन होते थे, सब दो दो नंबर के रहते थे। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता था, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। ठीक है, रीजनिंग और क्वांट से क्वेश्चन होते हैं और लीगल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होते हैं, तो ये टोटल 50 रहते हैं। ठीक है, क्वांट और रीजनिंग 25, लीगल एप्टीट्यूड 25। तो ये प्रीवियस ईयर का पैटर्न था जो जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराती थी। इस बार एक माइन्यूट चेंज ये हो सकता है कि अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद का एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराएगी, सीयूईटी में तो कंफर्म है नहीं जाएगा, लेकिन मे बी इसका एंट्रेंस एग्जाम एनटीए करा सकती है, जैसे बीएचयू एलएलबी का होता है। ठीक है, बीएचयू एलएलबी का भी पेपर जो है ये सीयूईटी में नहीं है, लेकिन इसका एंट्रेंस एग्जाम जो है ये एनटीए कंडक्ट कराती है। तो या तो आपका ये पैटर्न रहने वाला है, बहुत पहले भी हमने आपको अपडेट किया था, या अगर दूसरा पैटर्न होगा तो क्या होगा वो भी आपको बताते हैं। देखिए, अगर एनटीए एग्जाम कराती है तो पैटर्न क्या होगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स, टोटल 600 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, 1 क्वेश्चन गलत करने पे 1 मार्क्स की जो है निगेटिव मार्किंग जाएगी। ठीक है, टोटल 5 सेक्शन होंगे जैसे पहले भी थे। हिंदी और इंग्लिश में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे ऑप्शन नहीं था, तो ये 30 क्वेश्चन रहेंगे और करंट अफेयर और लीगल से अप्रॉक्स 60 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यहाँ से 35 हो सकते हैं, यहाँ से 25 हो सकते हैं। रीजनिंग और क्वांट से टोटल 60 रहेंगे, यहाँ से 35 हो जाएगा और यहाँ से 25 हो जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये पैटर्न आपका रहेगा, तो जो भी अपडेट होगा आपको बता देंगे। और एक डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो बनाते हैं कि कैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम को जो है टारगेट करें। ठीक है, तो ये कल तक आ जाएगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि सीयूईटी के थ्रू जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम एलएलबी का नहीं होगा, या तो खुद से कराएगी या एनटीए के थ्रू होगा। खुद से कराएगी तो क्या पैटर्न है, एनटीए के थ्रू क्या होगा तो क्या पैटर्न है, ये भी हमने आपको बता दिया। एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, तो ये कब तक आ सकते हैं, अप्रैल के लास्ट वीक या अब मई के मिड तक आ सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम आपका कब होगा, तो ये 15 जुलाई के बाद ही होगा, 15 जुलाई से लेके 30 जुलाई के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।